दिस इज़ द सोनी सिस्टम डैट वी आर इंस्टॉलिंग जना प्लैनेट सुपर मिनी V4। हम एच भी पीछे लगा रहे हैं स्टैक के कॉम्पोनेंट्स। ये देखो तो अभी अलाइनमेंट का प्रोसेस चल रहा है। ये देखो, ये नीचे जा रही है, ये ऊपर आई, ये और ऊपर आ गई। फाइनली दोनों क्वार्टर पैनल जो हैं वो रैप हो गए हैं। चेक दिस आउट गाइस, बहुत ही अमेजिंग। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम बैक एट द ऑटोबॉट्स। टुडे वी हैव अ निसान टेरानो जिसे कि हम कस्टमाइज़ करने वाले हैं। तो पहले आपको गाड़ी दिखाता हूँ, फिर जैसे जैसे कस्टमाइजेशन प्रोसेस चलेगा वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। सो लेट मी शो यू द कार। सो गाइस, हियर इज द निसान टेरानो एज यू कैन सी। तो ये भी कुछ वैसे ही कस्टमाइज होनी है जैसे कि हमने पजेरो स्पोर्ट करी थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर लिंक आएगा, उसको ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पे डेंट्स वगैरह हैं, तो पहले डेंटिंग पे जाएगी बिकॉज इसका क्वार्टर पैनल भी रैप होना है। तो अभी डेंटिंग पे जानी है, ये ठीक होके आएगी, फिर उसका क्वार्टर पैनल रैप होगा। प्लस इसमें ऑडियो भी अपग्रेड होना है एंड इसकी हेडलाइट भी अपग्रेड होनी है। इसमें ज़ेनॉन ब्रांड के प्रोजेक्टर्स लगने हैं, आई थिंक फॉग लैम्प में भी लगेंगे। सो आई जस्ट वांट टू शो यू द कार कि अभी बिल्कुल स्टॉक है। तो डेंटिंग पे जाने से पहले इसकी हेडलाइट्स खोल रहे हैं उस्ताद जी, बिकॉज तब तक हेडलाइट्स का काम शुरू हो जाएगा जब तक गाड़ी डेंटिंग होके आएगी। इधर से भी देख लो, दिस इज़ हाउ द कार लुक्स। तो चलो इसकी हेडलाइट्स उतारते हैं, उसके बाद इसको डेंटिंग पे छोड़ के आएंगे। ओके गाइज, हेडलाइट्स आर ऑफ। अब इसको लेके जाते हैं डेंटिंग पे और आपको मैं तब इसका अपडेट दूंगा जब ये डेंटिंग होके वापस आ जाएगी। 48 hours later. So guys, this update is after 2 days. Finally, Nissan Terrano is back after denting painting work. तो पिछला बम्पर पूरा रिपेयर होके पेंट हुआ है और क्वार्टर पैनल की आपने हालत देखी थी पहले, तो इस पर भी पूरी डेंटिंग हो गई है। पेंट इसलिए नहीं हुआ बिकॉज एज आई सेड कि इस पर रैप होना है। तो ये क्वार्टर पैनल पूरा रिपेयर होके इट्स ऑल प्रेप, प्लस ये वाला भी, एंड अंदर काम चल रहा है ऑडियो अपग्रेड का। ये देखो डोर पैड्स आ गए हैं बाहर। तो इसका हेड यूनिट चेंज होना है, स्पीकर चेंज होने हैं, एम्प भी चेंज होना है। हाँ जी, एम्प भी चेंज होना है। तो इसका कोई टाइम लैप्स नहीं बनाऊंगा मैं, इट्स गोइंग टू बी अ व्लॉग टाइप वीडियो। तो डोर पैड्स खुल गए हैं, तो जैसे जैसे काम प्रोग्रेस होता जाएगा मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। ओके गाइस, सो दिस इज़ द सोनी सिस्टम डैट वी आर इंस्टॉलिंग। तो ये मेन हेड यूनिट है। दिस इज़ एज यू कैन सी एंड्रॉयड कंपैटिबल, एप्पल कार प्ले कंपैटिबल, स्मार्टफोन मिररिंग, एंड इसका बॉक्स अंदर पड़ा है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। बट येस, दिस इज़ अ टच स्क्रीन हेड यूनिट, सोनी का है, ये इसमें इंस्टॉल हो रहा है। तो गाइस, ये अपडेट है तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद का। बाबू भैया देखो कैसे थके आ रहे बैठे में, बिल्कुल लटकी सी शक्ल, उदास से। और गाड़ी की एक बार हालत देखो, देखो 1-1.5 घंटे में पूरी गाड़ी अंदर से खुल चुकी है। चेक दिस आउट, ये देखो। और इसमें जो पहले काम हुआ है, उमेश भैया कह रहे हैं इतना घटिया काम हो रखा है। ये देखो कुछ भी, मतलब कहीं पे भी जोड़ रखा है। चेक दिस आउट, तो अब सब कुछ प्रॉपरली होगा। बट गाड़ी देखो एक बार, कहते हैं पोस्टमार्टम तो हो गया गाड़ी का, और ये सब बाबू भैया का काम है। 24 hours later. So guys, this is the next day and ऑडियो काम तो अभी चल ही रहा है। एज यू कैन सी डैम्पिंग हो गई है गाड़ी में, आगे स्टैक के स्पीकर्स लग गए हैं। प्लस आपको याद होगा गाड़ी डेंटिंग पे जाने से पहले हमने इसकी हेडलाइट्स खोली थी बिकॉज में प्रोजेक्टर लगने थे। सो चेक दिस आउट, इधर तो लग गया है जना प्लैनेट सुपर मिनी V4। प्लस फॉग लैम्प भी अब खुल गए हैं बिकॉज फॉग लैम्प में ही प्रोजेक्टर लगने हैं। तो एक लाइट यहाँ पे टेस्ट फिटिंग के लिए लगा रखी है, एक अंदर है, राशिद भैया इसकी फिटिंग कर रहे हैं। ये देखो इसमें भी ये प्रोजेक्टर फिट हो रहा है, और फॉग लैम्प दोनों खुल गए हैं, उसमें भी प्रोजेक्टर लगेंगे जना प्लैनेट के। तो अभी फ़िलहाल ये अपडेट है,
और उमेश भैया से पूछते हैं, तो उमेश भैया पीछे लगा रहे हैं स्टैक के कंपोनेंट्स। ये तो एक ये रहा, एक ये पड़ा है, बाकी आगे वाला मैंने आपको दिखा दिया। ये देखो, और ये देखो जो इसमें से उतरे हैं, ये उमेश जी अपना टेस्ट स्पीकर है, उतरे हैं इसमें से। तो गाइस मेरे को लगा ही टेस्ट स्पीकर है, बट ये इसमें से उतरे हैं। तो इनकी देखो क्वालिटी क्या है, ठीक है। और ये देखो टैग, इनकी क्वालिटी देखो, इटालियन ब्रांड। सो अनदर अपडेट गाइस, एज यू कैन सी इधर की हेडलाइट भी टेस्ट फिटिंग के लिए लग गई है, एंड प्रोजेक्टर और उसका श्राउड भी माउंट हो गया है। तो इस श्राउड में ना एलईडी भी चलती है, तो लुक्स रियली नाइस। इधर का श्राउड अभी लग रहा है, प्लस फॉग लैम्प के प्रोजेक्टर भी लग गए हैं, एज यू कैन सी एक्सपी। ये देखो इधर भी और इधर भी, और इन चारों की जो लाइट आने वाली है ना, दैट गोना बी अमेजिंग। सो जस्ट वेट एंड वॉच। फाइनली दोनों लाइट्स लग के ऑन हो गई हैं, एंड सामने आउटपुट देखो एक बार। तो अभी अलाइनमेंट का प्रोसेस चल रहा है, ये देखो ये नीचे जा रही है, ये ऊपर आई, ये और ऊपर आ गई, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। तो अभी थोड़ी देर में फॉग लैम्प के भी चालू हो जाएंगे। और सारी फॉग लैम्प कितनी देर में होंगे, आधा घंटा, एक घंटा? तो उस्ताद जी कह रहे हैं फॉग लैम्प तकरीबन एक घंटे बाद वो स्टार्ट करेंगे, उसके बाद उसकी बीम भी देखेंगे। One extremely annoying shift later. So guys, this update is after one day. कल मैं घर चला गया था और आज मैं शाम को लेट आया हूँ। तो हेडलाइट लग चुकी हैं, ग्लास सब फिटिंग हो चुकी है, नीचे भी लग गए हैं माइक्रो, और रवि भैया डिटेलिंग कर रहे हैं। सो चेक आउट द शाइन ऑफ द बोनट। तो पूरी गाड़ी की डिटेलिंग हो रही है, और इनका आउटपुट मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, बिकॉज अभी यहाँ पे आगे गाड़ी खड़ी है तो सामने दिखा नहीं पाऊँगा। एंड अंदर चल रहा है ऑडियो अपग्रेड का काम। तो जो सोनी का मैंने आपको हेड यूनिट दिखाया था वो लग गया है, ये देखो, प्लस सर्विन वेगा का ये एम्पलीफायर लगा है, वायरिंग चल रही है। तो अभी रवि भैया को डिटेलिंग करने देते हैं, जब वो हो जाएगी गाड़ी या तो ये हटेगी या इसको बाहर निकाल के आपको इन दोनों का आउटपुट दिखाऊंगा मैं। सो गाइस, वी आर अबाउट टू स्टार्ट द रैप ऑन द क्वार्टर पैनल। इसके जो क्वार्टर ग्लास हैं वो ऑलरेडी ब्लैक हो गए हैं, एज यू कैन सी। तो अब इसको रैप करते हैं, फिर उधर की साइड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टाइम लैप्स। सो हियर इट इज गाइस, फाइनली दोनों क्वार्टर पैनल जो हैं वो रैप हो गए हैं,
तो ये जो कलर है ना, ये ग्रेइश ग्रीनिश का कलर है अभी, ऐसे तो पता नहीं लगेगा बिकॉज ऊपर लाइट्स भी एक कुछ वार्म वाइट हैं कुछ वाइट हैं। सो दिस कलर इज ग्रेइश ग्रीनिश मिक्स। दोनों तरफ के क्वार्टर पैनल हो गए हैं रैप। तो देखो यहाँ से आपको अलग शेड दिख रहा होगा और उस तरफ अलग शेड दिख रहा होगा। एंड दिस इज सैटिन फिनिश, ना मैट है ना ग्लॉस है, दिस सैटिन फिनिश। प्लस पूरी गाड़ी की ड्राई क्लीनिंग भी चल रही है अंदर से। एंड ऑडियो सेटअप का फाइनल फिटमेंट हो रहा है, वायरिंग एंड एवरीथिंग गोइंग ऑन, फाइनल वायरिंग हो रही है। आगे से गाड़ी रेडी है ही, एज यू कैन सी डिटेलिंग हो चुकी है। तो उस्ताद जी कितनी देर में हो जाएगी रेडी? कम से कम 2 घंटे, मतलब 4 घंटे। करण भी कह रहे हैं, उस्ताद जी कह रहे हैं 2 घंटे, मतलब 4 घंटे। सो गाइस अभी बज रहे हैं 8:22, तो उस्ताद जी के हिसाब से 10:22 तो कम से कम होंगे, और करण भी कह रहे हैं 4 घंटे, तो 12:22। तो देखते हैं कब तक होती है रेडी। A lot of boring math later. So guys, गाड़ी हो गई है ऑल कम्प्लीट एंड रवि भैया इसकी वॉशिंग कर रहे हैं। तो वॉशिंग के बाद इसको एक बार बाहर निकालेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको इसकी हेडलाइट का आउटपुट दिखाता हूँ। ओके गाइस, फाइनली आई एम इनसाइड टेरेनो। एज यू कैन सी गाड़ी रोड पे बाहर निकाल ली है, तो बाहर देख लो एक बार, रोड पे बस इतनी लाइट है, ये देखो। और आधी इसकी पार्किंग लैंप की है, तो ये भी बंद कर देते हैं। देखो रोड पे बस ये लाइट है। तो अब इसकी मेन हेडलाइट ऑन करते हैं पहले। चेक दिस आउट, कैन यू सी कैसे एकदम ब्राइट हो रही है, बिकॉज इज HID बेस्ड नॉट LED। एंड चेक आउट द कट ऑफ राइट राइट एंड लेफ्ट पे, जैसे कट ऑफ बीम जा रही है। और अब करते हैं हाई बीम। और अब मैं इसका जलाता हूँ फॉग लैम्प, ये देखो ये हो गए फॉग लैम्प ऑन। तो अब करते हैं हाई बीम, चेक दिस आउट। ओह माय गॉड, डिड यू सी द रिएक्शन ऑफ द गर्ल्स? That was amazing. So once again, check this out, guys. तो हेडलाइट ऑफ करके दिखाता हूँ एक बार, ये हो गई हेडलाइट ऑफ। सो गाइस दिस इज ओनली फॉग लैम्प्स, ये सिर्फ फॉग लैम्प्स ऑन है। अगर फॉग लैम्प भी ऑफ करूँ, ये देखो, और ये पार्किंग लाइट भी ऑफ। तो अब सिर्फ फॉग लैम्प्स ऑन करते हैं पहले। ये फॉग लैम्प्स हैं, ये देखो ये फॉग लैम्प्स की हाई बीम है। अब करते हैं मेन हेडलाइट ऑन, ये हो गई मेन हेडलाइट ऑन। चेक दिस आउट गाइस, बहुत ही अमेजिंग। तो चलो चलते हैं वापस अंदर, एक बार गाड़ी के अंदर से भी चेकआउट कर लो। फॉग लैम्प्स, मेन हेडलाइट, चेक दिस आउट। चलो लेट्स गो। सो गाइस फाइनली वी आर इनसाइड, गाड़ी वापस अंदर आ गई है। तो कार इज ऑल डन एंड एज यू कैन सी कितनी बढ़िया शाइन कर रही है। तो इसमें हमने हेडलाइट में प्रोजेक्टर लगाए हैं सुपर मिनी V4, फॉग लैम्प में प्रोजेक्टर लगे हैं माइक्रो, एंड पूरी गाड़ी की डिटेलिंग हुई है। देन क्वार्टर पैनल जो हैं रैप हुए हैं दोनों तरफ के, पीछे का ग्लास जो है वो जेट ब्लैक हुआ है, प्लस अंदर पूरा ऑडियो अपग्रेड हुआ है। ये देखो स्टेक का पूरा सेटअप लगा है, कंपोनेंट्स, सर्विन वेगा का एम्प है एक, सोनी का हेड यूनिट, एंड पूरी गाड़ी में ना ये मैटिंग हुई है नीचे, ये मैं आपको दिखाना भूल गया था। तो पीछे तक पूरी ये मैटिंग हुई है, अंदर से पूरी गाड़ी ड्राई क्लीन हुई है, प्लस पिछला बम्पर पेंट हुआ है।
एंड क्वार्टर पैनल्स जो मैंने आपको दिखाई दिए हैं. सो यार द कार इज़ लुकिंग प्रीटी अमेजिंग. बाकी कल मैं आपको बताता हूँ कि इसमें टोटल कितना खर्चा आया पूरा भैया से पूछ के. पीछे भी देखो इसमें कंपोनेंट्स लगे हैं. अलिव एक मिनट, ये देखो. सो स्पीकर एंड देन ट्विटर. सो यस द कार इज लुकिंग प्रीटी अमेजिंग. बाकी हेडलाइट का आउटपुट तो आपने देख ही लिया. सो गाइस दिस इज द नेक्स्ट डे. वैसे तो आज निसान टेरानो जानी थी लेकिन जब कस्टमर आया गाड़ी देखने तो उन्होंने बोला कि इसमें थोड़े और मॉड्स करो छोटे छोटे. उन्हें कुछ और चीज़ें भी कस्टमाइज करानी थी तो गाड़ी अभी भी यहीं है. तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या काम चल रहा है. सो लेट मी अपडेट यू. सो गाइस हियर इज द कार. एंड इसमें पहली चीज़ और हो रही है वो है कि पूरी गाड़ी डीक्रोम हो रही है. यहाँ पे भी ये वाला रैप चढ़ेगा जो हमने साइड पे चढ़ाया. लाइट्स जो हैं वो स्मोक होंगी. यहाँ पे भी एक स्ट्रिप आएगी वही सेम कलर की. प्लस साइड पे आपने देखा था ये वाला तो रैप हो गया था. अब ये भी एक्सटेंड होके रैप हो रहा है. ये देखो. तो ये अभी इसका प्रोसेस चल रहा है. इफ़ यू कैन सी ये देखो. प्लस अंदर के डोर हैंडल सेम कलर के रैप हो गए हैं. ये वाला ट्रिम जो है ये भी सेम कलर का हो गया है. ये देखो. तो सेम उस साइड भी एज यू कैन सी पीछे भी होगा. पीछे के डोर हैंडल्स खुले हुए हैं. तो गाड़ी साइड से अगर देखोगे तो कुछ ऐसी दिखेगी. ये पूरा रैप एंड ये स्ट्रिप पूरी यहाँ तक. और आगे भी इसका आई थिंक जो ये क्रोम है ये भी रैप होगा. सो लेट्स सी. सो गाइस अब जो एक काम होना है इसका टाइम लैप्स शुरू करते हैं और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको मिलता हूँ. ओके गाइस तो रात के बज रहे हैं 8:33. तो आपको एक अपडेट देता हूँ कि आज क्या क्या हो गया है. टेल लाइट स्मोक हो गई हैं. पीछे का ये पूरा रैप हो गया है. प्लस साइड पे जो ग्राफिक लगे आते हैं कंपनी से वो उतार दिए हैं. साइड के पूरे पिलर्स और ये रैप हो गए हैं. नीचे की ये स्टेपर क्लाइडिंग जो है ये रैप हो गई है. डोर हैंडल्स रैप हो गए हैं. साइड मिरर कवर्स रैप हो गए हैं. प्लस फ्रंट ग्रिल रैप हो गई है. ये देखो. और सेंटर कंसोल
का जो कवर है वो रैप हो रहा है, और यहाँ पे राशिद भैया का बच्चा रो रहा है। बच्चा रोला नहीं है, रुला रहा है। रुला रहा है, ओके। तो ये देखो एक ग्राफिक जो लगा हुआ है, ये भी उतर रहा है इधर का, यहाँ का उतर गया अगेन, स्टेपर रैप। और अंदर के मैंने आपको डोर हैंडल्स तो दिखाए थे जो रैप हो गए हैं, ये देखो। सो आज ये सब हो गया है, और देखते हैं इसमें क्या क्या होना है, बाकी अपडेट आपको कल देता हूँ, बिकॉज मैं अभी घर निकल रहा हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग, सो गाइस दिस इज द नेक्स्ट डे, और हमने एक और चीज़ करी है निसान टेरानो में, इसके अलॉयस पेंट हो गए हैं, एंड बीच का रेड है एज यू कैन सी, प्लस ग्रिल मैंने आपको दिखाई थी। तो यहाँ से हमने छोड़ दिए, ये हिस्सा रैप किया है, हेडलाइट में प्रोजेक्टर हैं, नीचे प्रोजेक्टर हैं, और साइड का प्रोफाइल कुछ ऐसा दिख रहा है अब। तो अलॉयज हो गए हैं पेंट, और इसके ड्रम भी हमने करवा दिए, ड्रम रेड, आगे कैलिपर्स भी रेड, और बीच में निसान का लोगो रेड। सो अगर साइड से देखो, दिस इज़ हाउ द कार लुक्स। सो पूरा ऊपर से रैप, पीछे क्वार्टर पैनल, नीचे की क्लाइडिंग स्टेपर की, एंड देन हैंडल्स वो मैंने आपको दिखाई दिए थे, मिरर के कवर्स, प्लस अंदर से ये भी सेम रैप हो गए हैं, हैंडल एंड ट्रिम, सेंटर कंसोल का ये एरिया रैप हो गया है, ऑडियो अपग्रेड मैंने आपको बता दिया था, स्टेक के कंपोनेंट्स लगे हैं आगे पीछे, एंड सोनी का हेड यूनिट है, और पीछे से ये रैप हो गया है, एंड टेल लाइट स्मोक हो गई हैं। बस अब गाड़ी की वॉशिंग रह गई है, एज यू कैन सी गाड़ी बहुत गंदी हो रही है अभी, तो वॉशिंग करके द कार विल बी रेडी। तो नेक्स्ट क्लिप में मैं आपको बताता हूँ कि इसमें टोटल कितना खर्चा आया। 4 to 6 weeks later. सो गाइस, जस्ट लाइक सम अदर वीडियोस, मैं ये वाली वीडियो भी एंड करनी भूल गया था, तो अब जब घर बैठा लॉकडाउन में एडिट कर रहा है, देन आई रियलाइज। एनीवेज, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। इसमें जो टोटल खर्चा हुआ निसान टेरानो में, दैट वाज अराउंड 1,65,000 रुपीज, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, जो इसमें रैपिंग का काम हुआ, जो ऑडियो अपग्रेड हुआ, प्रोजेक्टर अपग्रेड हुए, फॉग लैंप में प्रोजेक्टर लगे, एवरीथिंग, जो डिटेलिंग भी हुई। सो 1,65,000 रुपीज वॉज द बिल। So yes, that's pretty much it for this video guys. Agar pasand aayi ho, then you know what to do. I'll catch you in the next one. Till then, take care. Peace out. To ye the Rishi bhaiya hello hello karte hue. गाइस मुझे धमकियां दे रहे हैं, अरे बहुत मारूंगा मैं। सो गाइस, हियर इज द कार। तो पूरी गाड़ी